यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन बताना है, सबसे सही ग्राफ कौन सा बता रहा है। अब देखिए शुरुआत में ही जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा, जैसे मान लीजिए कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमने कोई रेडिएशन फॉल कराया, अब उससे जस्ट बढ़ाया तो क्या तुरंत ही फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी? तो ऐसा नहीं है, है ना। हम लोग जानते हैं कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू होते हैं, तो कुछ वैल्यू तक तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहनी है और उसके बाद लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि शुरुआत से ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, क्योंकि निकलने के लिए कुछ वर्क फंक्शन को कवर करना पड़ेगा, तो पहले जब वर्क फंक्शन कवर कर लेंगे उसके बाद ही, उसके बाद की जो बची हुई एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है।